दोस्तों के साथ मॉल और कैंटीन में या फिर जुहू बीच पर मस्ती करना, पॉकेट मनी से चाइनीज खाना खाना और आईने के सामने खड़े होकर ये सोचना कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, ये है आपकी आकांक्षा। ऑल द वेरी बेस्ट। गीला गीला या आला आला, क्या कहते हैं कैलाश जी? आकांक्षा, आज थोड़ा सा एक दो जगह सुर गया और वो खामी रही, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। जावेद साहब भाई, मुझे तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लगा और मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कहीं आपका सुर ऐसे गया। अच्छे मूड में गाया, अच्छी तरह से आपने गाया। इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। सोनाली, क्या कहती हैं आप? आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर। प्रोबेबली आकांक्षा, आपसे उम्मीद भी है बहुत ज़्यादा और शायद आपसे पहले जिन्होंने परफॉर्म किया है, जिन जिन लड़कियों ने, देर हैज़ बीन सम एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस टुडे, तो शायद उसकी वजह से यू नो वी आई एम बीइंग अ बिट यू नो हैवी अबाउट दिस, बट आई थिंक यू कुड डू बेटर। अनु जी, क्या कहते हैं आप? तुमने मुखड़ा बहुत अच्छा स्टार्ट, यू नो आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट स्टार्ट टू अ ब्यूटीफुल मुखड़ा। और मेरा क्या एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, जब अंतरा आया ना तो पहले नोट्स ही थोड़े सुर से हट गए। तो एक ऑब्जर्वेशन ये है कि तुम्हारी सिंगिंग में एटीट्यूड था, पर्सनैलिटी है, सब कुछ है, ब्राइट सिंगिंग थी लेकिन सुर से हटी हुई थी। सो आई वॉन्ट एमलगेमेशन ऑफ दोनों चीज़ें, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड सुर, देन आई कॉल इट परफेक्ट सिंगिंग। मैं जनता से कहूँगा कि भाई ऑल आर सो गुड, अब आप ही चुनो, लेकिन हमारी भी सुनो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि द बेस्ट शुड विन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल आई कैन से एट द मोमेंट इज आई विश यू ऑल द बेस्ट। Say what, huh? Chika chika, chika chika. Jab bhi dekhe tujhko nazar mein bikhane ho jaye jigar. Oh, ah, oh, 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 oh. Hai tere zaanso ko nazar mein bhi tujhko mano hum safar. Oh, 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 oh. Teri har ada ne mujh pe ye kaisa jadoo mere. Love the game, I wanna play. बना
ऑडियंस को तो बहुत ही मजा आया, आपके फेलो कंटेस्टेंट्स भी वहां पे बहुत खुश लग रहे हैं। आइए देखते हैं, जल्दी जज से पूछते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है। सोनाली, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू दिस टाइम। आई मस्ट से कि ऑडिशंस के बाद देयर इज अ वास्ट इंप्रूवमेंट, वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कैलाश जी, जब ऑडिशन था मैंने आपसे एक बार पूछा था कि आप पहाड़ी हैं क्या, तो अनु को बहुत खुशी मिली थी जानकर कि मैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। वो इसलिए था, मुझे तो बहुत खुशी है सब, डोंट गेट एक्साइटेड, सब मैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप ही में नहीं। हाँ, मैं इसलिए ले रहा था क्योंकि वो पहाड़ी बात दिखी है आपके गाने में, और जो इम्प्रूवमेंट आपने की है उसके लिए मैं समस्त भारतवासियों से निवेदन करूँगा कि आपको लूज ना करें कभी जिंदगी में। इंडियन आइडल इज फॉर यू, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू सो मच सर। खिताब, ऑलमोस्ट खिताब कह रहे हैं कैलाश जी कि आपको मिल सकता है। आइए प्रियंका, आपसे जानते हैं आपकी क्या राय है इसके बारे में। आई थिंक मैं आपसे कहूंगी कि आपकी नाम की तरह आपकी गायकी भी बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू मैम। फ्रॉम वन प्रियंका टू अनदर। और दूसरी बात कि एज अ कंप्लीट एंटरटेनर मुझे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, आई रियली लाइक यू। थैंक यू। अनु जी क्या कहते हैं आप? प्रियंका ने जी तेरी गायकी में बहुत बहुत ज्ञान। थैंक यू सर। आज जो पूरे दिन में जो इस पूरे एपिसोड में जो परफॉर्मेंस है, अगर उनमें से तीन बेहतरीन परफॉर्मेंस मुझे चुनने को कहे जाए तो तुम्हारे लेवल को और। थैंक यू सर, थैंक यू सर, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम जावेद साहब। जोरदार ताले एवरीबॉडी फॉर तुलिका, कम ऑन। आपको कैसा लग रहा है कि आपने अच्छी तरह से गाया जो आपने सोचा था? हैव यू डन द वे यू थॉट? आई थिंक 80-85% आया, लेकिन 100% नहीं आया। 100% नहीं आया, चलिए 80-85% तो आया ही है। चलिए आइए जानते हैं जजेस से, आधे इंप्रेस्ड आधे नॉट इंप्रेस्ड। कैलाश जी आपसे शुरुआत करते हैं। मुझसे शुरुआत करना कभी कभी बहुत लाभकारी होता है। मैं आपकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ और मैं आपके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं देशवासियों से कि आपको भगाए ना इंडियन आइडल से। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सोनाली। वी हैव नॉट मिस्ड द लकी मैस्कट। हैव यू नोटिस्ड कैलाश ने कुछ गाने के बारे में बोला ही नहीं है। सुर वुर भूल जाओ, बस उसको राड पर ही जाओ, जय हो जय हो जय हो। दिस वाज मजाक अपार्ट, क्योंकि ये सीरियस बात है जो कह रहे हैं हम लोग। तुलिका आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और गाया भी बहुत अच्छा है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जावेद साहब आपका भी यही मानना है? वेरी गुड परफॉर्मेंस, एंड आई एम श्योर कि आप यहाँ हैं और हमारी मुलाकात फिर होगी। थैंक यू सो मच। प्रियंका, मुझे लगा, आई डोंट नो, आई थिंक इतने बड़े बड़े जजेस हैं यहाँ पे, कहना करेक्ट है या नहीं, लेकिन मुझे लगा यू एंड ऑफ सुर इन अ फ्यू प्लेसेस। आई मीन मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं है म्यूजिक के साथ, लेकिन मुझे भी लगा थोड़ा बहुत। ओके, सो यू सेड कि आप 80% तक गाई हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगा प्रियंका कि ये ऑफ नहीं गई, बल्कि ये आवाज़ को जान के स्प्लिट कर रही है,
मुझे ऐसा लगा, होता ना ऐसे कर लो, तो कई जगह इसने ऐसे किया। क्या ये अनुजी से जानते हैं? अनुजी आपका क्या कहना है? तेरी आवाज दिल से निकली मेरे दिल में बस गई, अगले राउंड में 100% तू जाके फंस गई। थैंक यू सो मच सर। यू हैव अ ग्रेट स्माइल, अ ग्रेट फेस एंड अ वेरी हैपनिंग वॉइस, बिकॉज इंडियन आइडल इज ऑल अबाउट एटीट्यूड, पर्सनालिटी एंड वॉइस। यू आर कैरिंग इट ऑफ वेरी वेल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। हिंदी पोश माल गिंदनी ग्राय लो लो सरगम के मीठे मीठे सुर घोलो, हे आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने, आओ यारो मेरे संग संग बोलो, हे रिंदी पोशमाल गिंदनी ग्राय लो लो। Well done, my friend, well done. हम सुनते आए क्या बहुत शर्मीले हैं, बहुत शर्मीले हैं, बहुत कम बात करते हैं। आप वाकई में शर्मीले हैं या बस ऐसे दिखाते हैं कि मैं शर्मीला हूँ? असल में मैं शर्मीला नहीं हूँ। नहीं है? मेरा नेचर ऐसा है कि मैं इतनी जल्दी खुल नहीं पाता किसी से, और जब किसी से खुलता हूँ तब सब कुछ शेयर करता हूँ, बहुत कुछ शेयर करता हूँ उससे, और नहीं शर्माता मैं उसके सामने, बिल्कुल नहीं शर्माता। तो आज आपने मतलब ये ऑनेस्ट कन्फेशन कर दिया कि भैया वो शर्मीले नहीं। वैसे हम लड़कियों को पूछना चाह ही रहे थे कि आइए पूछ ही लेते, उनसे भी पूछते कि आप वाकई में ऐसे है नहीं है। प्रियंका? नहीं, वो शाय तो है, वो बहुत शाय है, शाय तो है। ओके चलो, चलिए आइए अभी फिलहाल हम जजेस से पूछते हैं। अनुजी, यू नो यू हैव अ वेरी स्वीट वॉइस, आई लव योर वॉइस, लेकिन मुझे लगता है आज परफॉर्मेंस में वो बात नहीं थी। आज की परफॉर्मेंस वाज अ लिटिल ठंडा, मतलब आई एम नॉट वेरी इंप्रेस्ड। जावेद साहब, कुछ मजा नहीं, जो इस गाने की स्पिरिट थी, जो इसका मूड था, वो आपने कैप्चर नहीं किया। सुनाली, कड़वी बातें हैं वो मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यू आर अ रियली स्वीट बॉय एंड आपकी आवाज मीठी है। यू हैव टू वर्क हार्ड and do something about this, because this is a very serious competition. You have the potential but you're not pushing the envelope. ladki hai anjani si, dubli patli si, diwani si, lekin mast maula itni ki agar kabristan mein bhi chali jaye na to murde uthkar disco karne lagenge. girls pehchano kaun? Sorry. Okay.
ये गाना चुना कैसे? मुझे हैरत है कि तुम इस ज़बान को अच्छी तरह समझती नहीं हो। कुछ तुमने जो हिंदी लैंग्वेज को जो तुमने बोला है वो करेक्ट वर्ड्स नहीं आए, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आई हैव टू गिव यू क्रेडिट कि ये तुमने गाना 85% 90% निभा दिया है। इसमें कोई शक नहीं, तुमने आज इतनी मुश्किल हरकत को इतनी आसानी से ले लिया। मैं सरप्राइज मी टुडे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, वेरी वेरी सो मच। थैंक यू सो मच कैलाश जी। प्रियंका आपको क्या कहना है? सॉरी यू इंस्पायर्ड कैलाश जी टू सिंग लाइक दैट। आई मीन आई गॉट एटलीस्ट गूज़बम्प्स, मुझे 3-4 बार आए थे तुम्हारे गाने में। सीरियसली थैंक यू सो मच कैलाश जी, यू वर फैंटास्टिक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जावेद साहब कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस अब तक का? ये एक अगरतला की लड़की है जो एक हिंदी गीत ऐसा गा रही है जिसमें पंजाबी शब्द हैं, गा मुंबई में रही है और पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी हमारे छठे कंटेस्टेंट। गाइस आप लोग में से कोई गेस कर सकता है कौन होगा अगला वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट? दो नाम ले ले यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। उनकी उम्मीद ये थी कि अगर इंडियन आइडल बन गए तो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलेंगे ताकि अपनी आवाज़ से वो सारी धरती यानी धरा को चमका सकें, लेकिन खैर सब कुछ धरा का धरा रह गया। आज ये जो आखिरी मौका मिला है क्या इससे वो कुछ फ़ायदा निकाल पाएंगे, ये तो रब जाने, जजेस जाने या जाने चरित दीक्षित। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए 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 होए, ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए 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 होए। मैं प्रेम दा प्याला पी आया, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एक पल में सदियां जी आया। मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एक पल में सदियां जी आया, सारी मधुशाला पी आया, एक पल में सदियां जी आया। मैं पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, जा पी आया, मैं जी आया। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए 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 होए। लगन ये जागी जग छूटा, होए होए जग छूटा, जिया बैरागी, ये बात वहां तक ना पहुंची, ये चोट जिया तक ना लागी, होए होए ये दर्द जुबां तक ना आया, ये मेरे दिल विच की आया। सारी मधुशाला पी आया, एक पल में सदियां जी आया। मैं पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, जा पी आया, मैं जी आया। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए 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 होए। मैं रमता जोगी जोगी, रमता जोगी जोगी, रमता जोगी जोगी, जोगी 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 जोगी। थैंक यू सो मच ऑडियंस, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल चलिए अब आपके को कंटेस्टेंट से कुछ सवाल पूछते हैं। प्रियंका आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप इनके परफॉर्मेंस को जज करती तो कितने मार्क्स देती 10 में से? ओह इतने सोच विचार के बाद 9.5। वाह वाह, जजेस के पास चलते हैं। अनु जी क्या कहते हैं आप? चरित इट्स अ फाइट टू द फिनिश, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू। प्रसन्नजीत के लिए या शनि के लिए या मोहित के लिए, किसी के लिए भी अभी आसान नहीं होने वाला, बिकॉज सभी ने कितना बुरा गाया या कितना अच्छा गाया ये तो वक्त ही बताएगा थोड़ी देर बाद। ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।